मांग कमजोर होने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मंगलवार को सोयाबीन तेल तिलहन, सीपीओ, पामोलिन और बिनौला तेल की कीमतों में गिरावट आई, जबकि सस्ता होने के कारण मांग बढ़ने से सरसों तिलहन के भाव में सुधार आया। वहीं दूसरी ओर सरसों तेल सहित मूंगफली तेल तिलहन के भाव अपरिवर्तित बने रहे। जानकार सूत्रों ने बताया कि शिकागो एक्सचेंज में आरंभिक गिरावट के बाद 2.5% की तेजी रही थी। सूत्रों का कहना है कि ऊंचा भाव होने के कारण बाजार में खाद्य तेलों की मांग बेहद कमजोर है, जिससे कारोबार में मंदी का रुख रहा। सबसे सस्ता होने की वजह से रिफाइंड बनाने के लिए सरसों तिलहन की मांग है, जिससे इसकी कीमतों में सुधार देखने को मिला। सूत्रों ने कहा कि सरसों की आवक सोमवार के लगभग 5 लाख बोरी से घटकर मंगलवार को लगभग 2.5 लाख बोरी रह गई। पामोलिन और सोयाबीन के मुकाबले सस्ता होने के कारण उसकी कमी को पूरा करने के लिए सरसों तेल का रिफाइंड प्रचुर मात्रा में बनाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सहकारी संस्था हैफेड को बाजार भाव से सरसों खरीदकर इसका स्टॉक तैयार कर लेना चाहिए, जो आड़े वक्त में देश के लिए मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों की खपत के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भरता देश की प्रगति की राह में रोड़ा है और हमें जल्द से जल्द तिलहन उत्पादन बढ़ाकर विदेशों पर निर्भरता को खत्म करना चाहिए। मांग कमजोर रहने से सीपीओ, पामोलिन, बिनौला तेल की कीमतों में भी गिरावट आई, जबकि मूंगफली तेल तिलहन के भाव अपरिवर्तित बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।